नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सरस्वती पूजा समारोह के संपन्न होने के बाद शनिवार को जिले भर में पूजा समिति द्वारा स्थापित की गई मां शारदे की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें भक्ति और फिल्मी धुनों पर झूमते हुए युवाओं छात्र छात्राओं ने जमकर मस्ती की। जबकि जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कराए गए कृत्रिम घाट पर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान शहर के अलग अलग मार्गों और चौक चौराहों से बाजे गाजे के साथ प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकलता रहा, जबकि कई लोगों ने सादगी के साथ माता सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया। वहीं विसर्जन को लेकर सड़कों पर जगह जगह मां बिना पानी का जयकारा गूंजता रहा और महिलाओं ने विधि विधान से पूजन कर देवी को नम आंखों से विदाई दी। इससे पूर्व सभी पूजा समिति द्वारा माँ हंस वाहिनी की विसर्जन पूजा की गई, जबकि प्रशासन के निर्देश पर विसर्जन के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी। बता दें कि शुक्रवार को भी स्कूल और शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रतिमा विसर्जन किया गया था, जबकि दो दिनों की पूजा के बाद अन्य प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार को कर दिया गया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सरस्वती माँ का बैठा करके, वो आती है हम लोग को विद्या देती है और हम लोग बहुत ही मजे करते हैं इसमें और हम लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, लिटरली बहुत ही मजा आया है। हमारे सारे बच्चे विसर्जन में भी आए हुए हैं। हम लोग हर साल सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं और दो दिन वहाँ पे हम लोग भोग का कार्यक्रम रखते हैं। प्रथम दिन हम लोग खिचड़ी का भोग रखते हैं। आज जैसे कि विसर्जन का भोज था तो उसमें हम लोगों ने दही चूड़ा का आयोजन किया। हम लोग काफ़ी उसको शांति से मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अभी हमारे स्कूल के सारे बच्चे बच्चियाँ भी विसर्जन पर आए हुए थे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सरस्वती पूजा में। हमारे स्कूल दिशा न्यूक्लियस में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया, जितना हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से सेलिब्रेट होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छे से। हमारे टीचर्स लोगों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट किया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते तीन दिनों से इलाज के लिए भर्ती केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीम कुमार दास के समक्ष जमकर हंगामा किया। दरअसल सेना से रिटायर्ड जवान निर्मल चौबे आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इसके बाद परिजनों ने घंटों अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद SSP आनंद कुमार छैथाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और परिजन को शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में सीनियर डॉक्टर नहीं होने का आरोप लगाया। इधर हंगामा को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीम कुमार दास ने दो जूनियर डॉक्टर आदित्य कुमार और डॉक्टर विनय कुमार को निलंबित कर दिया। बताया जाता है कि हालांकि जिस समय पेशेंट आईसीयू में थे उस दौरान मैं फोन पर डॉक्टरों से लगा हुआ था, चूंकि मैं घर पे था तो वो पेशेंट का डिटेल्स हमको बता रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने ICU के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जिस समय मरीज लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे जो होना चाहिए थे यहाँ पर। तो इस बात पर मैंने उन डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से दो डॉक्टरों को निलंबित किया। क्या नाम है जिन डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है? आदित्य वैद्य, विनय कुमार डॉक्टर आदित्य। क्या पोस्ट था सर उनका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने संवाद कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह शुक्रवार की देर रात भागलपुर पहुंची, जहां कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की ओर से ढोल नगाड़े के साथ अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं भागलपुर स्टेशन पर अपूर्वा का फूल मालाओं और अंगवस्त्र से स्वागत किया गया। इस दौरान अपूर्वा के साथ स्टेशन से निकला जुलूस विक्रमशिला कॉलोनी पहुंचा। अपूर्वा ने संसद भवन में मिले अपने अनुभव को किया। अपूर्वा ने कहा कि वह देश के सबसे कम उम्र की प्रतिभागी के रूप में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई थी और यह गौरवान्वित करने वाली बात है। साथ ही 11वीं की छात्रा अपूर्वा ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर और उनके साथ हुए संवाद से काफी कुछ सीखने को मिला है और आगे भी वह भागलपुर बिहार और पूरे देश का नाम रोशन करने का प्रयास करती रहेगी। इधर पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि यह भागलपुर सहित पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी खंजरपुर मोहल्ले में शनिवार की अहले सुबह पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में युवक को पाया। युवक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के परघरी गांव निवासी राम नारायण सिंह के 18 वर्षीय पुत्र अनमोल रत्न के रूप में हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि युवक पिछले 10 महीने से नीलकमल झा के मकान में किराए पर रह रहा था और बीती रात से कमरे में दरवाजा लगाकर खुद को बंद कर लिया था। वहीं काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब वह बाहर नहीं निकला तो उसके साथ रूम में रहने वाले अन्य छात्रों ने इसकी जानकारी मकान मालिक को दी। इधर मकान मालिक द्वारा आवाज लगाने पर भी जब अनमोल ने दरवाजा नहीं खोला तो लोगों को खुदकुशी की आशंका हुई, जिसके बाद उसकी जानकारी बरारी थाना प्रभारी संजय सत्यार्थी को दी गई। वहीं पुलिस अनमोल के पिता और फॉरेंसिक टीम को लेकर मौके पर पहुंची और बेहोशी की हालत में उसे कमरे से बाहर निकाला गया। बता दें कि अनमोल मिर्गी बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण वह लंबे समय तक कमरे के भीतर बेहोश पड़ा रहा। वहीं दरवाजा खोलने के बाद अनमोल की नब्ज देख पुलिस कर्मियों ने उसे इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। मेरा नाम कमलजीत झा हुआ। मेरे पिताजी का एक मकान छोटी खंजरपुर में है। हम लोग वहां पे 1974 से रेंट पे बच्चों को रखते हैं या फैमिली वालों को रखते हैं। आज का घटना ये है कि हमारे वहाँ पर एक अनमोल रत्न नाम का एक लड़का था जो कि कमरे में अपने बंद था। जब हमारे सिस्टर और हमारे भाई साहब उसको जगाने के लिए गए, बार बार आवाज़ देने के बाद भी उसका गेट नहीं खुल रहा था। उसके बाद वेंटिलेटर से मैंने देखा तो उन्हें देखा कि चौकी के नीचे वो लेटा हुआ है। फिर मैंने सबसे पहले बरारी थाना को कॉल किया, उसके बाद मैंने उसके गार्जियन को कॉल किया, उनकी माता जी को कहा कि ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद प्रशासन आया, FSL की टीम आई, उनके सामने में दरवाज़ा को तोड़ा गया। दरवाज़ा को तोड़ने के बाद देखा गया कि लड़का चौकी के नीचे है, पैंट में पेशाब उशाब भी किए हुआ था और सेंसलेस था। उसके गार्जियन लोग से पता चला कि उसको पहले भी दवाई चल रहा था, कुछ मिर्गी तिर्गी टाइप का दौरा आता था और अभी वो जीवित है और सेंसलेस है। बट प्रेम में धोखा पाई सिवान की आरती अपने प्रेमी से मिलने भागलपुर परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंच गई, लेकिन वहां से उसका प्रेमी पप्पू फरार हो गया। वहीं इसको लेकर पीड़िता आरती का कहना है कि 5 साल से पप्पू और उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस दौरान दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन शादी करने की बात पर प्रेमी और उसके घर वालों के द्वारा युवती के घर वालों से 8 लाख रुपये दहेज की मांग की गई। पीड़िता ने कहा कि उसके घर वाले दहेज देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। वह इसके बाद युवती परिवहन कार्यालय पहुंच गई, जहां चलंत दस्ते में सिपाही के पद पर कार्यरत उसका प्रेमी पप्पू कार्यालय से निकल गया। वहीं लड़की की मां का कहना है कि पहले लड़के ने कहा था कि वो शादी करेगा, लेकिन अब दहेज की मांग कर मुकर रहा है। साथ ही कहा कि जिलाधिकारी के पास भी उसने गुहार लगाई है। कौन बोल रहा है? पप्पू कुमार बोल रहे हैं, इनका घर का लोग बोल रहे हैं, इनका बड़ा भैया बोल रहे हैं कि 8 लाख रुपया दे दीजिए, शादी कर लीजिए। कैसे मोहब्बत हुई थी? मतलब मेरी गांव में उनकी चचेरी बहन है, वहाँ आते जाते थे, संपर्क किया हम लोग। कितना दिनों से था संपर्क? 2018 ही से था, 2018 में 21 जून को मतलब शादी वादी था तभी से। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रे
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर गांव के एमपी भट्टा के समीप देर शाम अज्ञात मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों ने एक मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मजदूर की पहचान नई सीढ़ी घाट निवासी स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी के 55 वर्षीय पुत्र महेश चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महेश चौधरी जयनगर गांव से ताड़गाछ से नीचे उतरकर वापस घर जा रहा था। वहीं मृतक महेश चौधरी के साथ जा रहे कैलाश सिंह ने बताया कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों ने गोली मार दिया और वहां से फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी स्थानीय लोगों से मिलते ही मौके पर दलबल के साथ पहुंचे डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार और थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं इसको लेकर डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस को कारतूस का दो खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूर महेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि परिजनों से बात करने पर घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। डीएसपी ने कहा कि फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। 10-20% हुए लगे बोन कर लिया पहले गल रहे। के पहने गल रहे। यही की नाम के महेश चौधरी। अच्छा, दोनों साथ हैं रास्ता बैठ लो। हाँ, हम आगे पीछे हम आस्ते आस्ते चले झटकर लोग आगे चले। अच्छा, लिए तो एक आदमी हमारा पकड़े के धपोची दिल के दूसरो आदमी हुंडा दो आदमी उतरी के गोली। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित जवारीपुर में सागर ग्रुप द्वारा खोले जाने वाले ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम की जानकारी को लेकर शनिवार को मारवाड़ी पाठशाला के समीप रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागर ग्रुप के कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के अधिकृत शोरूम का 5 मॉडल्स के साथ शुभारंभ किया जाएगा, जो सागर इंटरप्राइजेस के नाम से भागलपुर में कंपनी का पहला शोरूम होगा। उन्होंने बताया कि शोरूम में शुरुआती 30 कस्टमर को छूट दी जाएगी और यह व्हीकल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच सस्ता और प्रदूषण रहित वाहन है। कमलेश कुमार ने बताया कि करीब 40 वर्षों से कस्टमर सर्विस दे रही ओकाया कंपनी स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर और किफायती है। साथ ही बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाकर एक साल में 12 पेड़ लगाने के बराबर काम किया जा सकता है, जबकि भारत सरकार का 2030 तक 60% गाड़ी को इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में बदलने का लक्ष्य है। इसके अलावा कहा कि एक बार चार्ज होने के बाद 40-160 किलोमीटर तक चल सकती है और फुल चार्ज होने के बाद इसकी अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी के सेल्स मैनेजर भास्कर आलोक ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन भारतीय मौसम को देखकर बनाया गया है, जिससे अधिक गर्मी पड़ने पर भी परिचालन में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वाहन खरीदने के लिए फाइनेंस और ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है और शोरूम के प्रोपराइटर के साथ कंपनी के द्वारा नियमित सर्विस की सुविधा है। इस दौरान सागर ग्रुप की फाउंडर आराधना कुमारी मैक्सी सागर संतोष कुमार मौजूद रहे। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत हो रही है सागर इंटरप्राइज के माध्यम से जवारीपुर तिलका मांझी भागलपुर में। भागलपुर सिल्क सिटी है और सिल्क सिटी को सुरक्षित रखना हमारा उद्देश्य है और कर्तव्य भी है। सिल्क सिटी को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक वरदान साबित हो रहा है। ये सिर्फ पैसे को ही नहीं बचाता है, साथ साथ में हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। ये कोई भी प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। जैसा कि जानते हैं हम कि ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लगभग 2000 इसके बैटरी को चार्ज किया जा सकता है 2000 बार, और इसका बैटरी पूरा तरह से वाटरप्रूफ है और ये 4-5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग 140 किलोमीटर तक चलती है। इसकी बैटरी जो होती है काफ़ी भारतीय मौसम के अनुसार से तैयार किया गया है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है और हमारे मतलब भारतीय मौसम में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देता। तो थोड़ा सा हम लोग को हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनको थोड़ा जागरूक करना होगा, दोनों तरह से जागरूक करना होगा, सरकार की तरफ से भी और हम लोग को अपना एक्टिविटी करके भी जागरूक करना होगा, क्योंकि ये जो हमारा व्हीकल है ये व्हीकल पूरा तरह से जो भी कस्टमर होंगे, कस्टमर के आज और आने वाला कल दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये दोनों को सिक्योर करेगा, उनके आज को भी सिक्योर करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग देख रहे थे कि हमारा भागलपुर भी बहुत प्रदूषित शहर में आने गिनती होने लगा है, तो वो सब चीज़ को अगर ध्यान में रख करके चलेंगे और सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चलने लगेगी तो पॉल्यूशन धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि हमारी गाड़ियों में
नॉइज भी नहीं होता है और स्मोक भी नहीं होता है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय सैदपुर गोपालपुर मैदान में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दक्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों एवं अतिथियों ने हिस्सा लिया। वहीं इसको लेकर स्थानीय प्रतिनिधि नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाब सिंह और जदयू प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी ने कहा कि विभाग के द्वारा लगभग 90,000 रुपये खेलकूद में प्रतिभागी और अतिथि सहित विभिन्न व्यवस्था के लिए भेजा गया था, लेकिन स्थल पर व्यवस्था नदारद दिख रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि व्यवस्थापक अधिकारी और कर्मियों द्वारा सिर्फ व्यवस्था कागज पर ही सिमट कर रह गई है। साथ ही उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करने की बात कही। वहीं संबंध में जब प्रखंड संसाधन केंद्र के कर्मी मुरारी कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्थानीय शिक्षक को सारी जवाबदेही दे दी गई थी और व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो उसके बारे में जानकारी सरकार को भेजी जाएगी। हम गए हुए थे वहाँ पर, बच्चे का खेल प्रतियोगिता हो रही थी। हम देख के आश्चर्यचकित रह गए कि बच्चा लोग तो आए हुए थे, हर एक स्कूल से आया हुआ था, पानी तक का व्यवस्था नहीं था, नाश्ता का खाना का तो छोड़िए बच्चे का, पानी तक का व्यवस्था नहीं था। जो लोगों का चीफ गेस्ट था उनके लिए भी पानी का व्यवस्था नहीं था। ये लोग सिर्फ गबन करता है। यही कौन उसके पहले भी हुआ था स्कूल में, जो कि 350 के बदले 340 के बदले में 910 वाले का रजिस्ट्रेशन का ये लोग 850 ले रहा था, उसमें भी मैंने आवाज उठाया था। सुनते हैं कि 90-95,000 रुपया आता है, सीधा खाना पूरी हुआ, मुश्किल से 10-12,000 रुपया खर्चा नहीं आया होगा। 1,000 का माइक लगा के पैसा का लूट बोट हो जाता है। माइक के अलावे कुछ व्यवस्था थी? कोई नहीं था, पानी का नहीं व्यवस्था था, व्यवस्था विहीन था वहाँ। नाथनगर प्रखंड स्थित श्री राम पीतेश्वर धाम ठाकुरवाड़ी परिसर में होने वाले 9 दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं ने जय श्री राम जय हनुमान हर हर महादेव का जय घोष किया, जबकि प्रखंड परिसर स्थित ठाकुरवाड़ी से निकली शोभा यात्रा करेला नूरपुर गुलदार पट्टी सुभाष चौक नरगा होते हुए मोहनपुर गंगा घाट पहुंची, जहाँ योगकर्ता रामप्रीत शरण उर्फ प्रकाश पावर के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरी कराया गया। मौके पर समाजसेवी विजय कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य मिथुन कुमार प्रमुख, दुर्गा दयाल पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक समेत काफी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण मौजूद थे। आज श्री श्री 1008 महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज भव्य कलश शोभा यात्रा हर साल की भांति इस साल भी 16वां भव्य आयोजन है। अर्थात 28/1/2023 से लगातार 5/2/2023 तक यह आयोजन है। इसमें कल अरनी प्रवेश, मंडप प्रवेश, गौ परिक्रमा, गौ पूजन एवं अर्नी मंथन का कार्य होगा। जगदीशपुर के चांदपुर पंचायत अंतर्गत सरस्वती मंदिर में वसंत पंचमी को लेकर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस नेता सुनील तिवारी ने फीता काट कर किया। इस दौरान दंगल में दूर दूर से पहुंचे पहलवानों ने अपना जौहर दिखाया, जिसमें कोयली कुठाहा रजौन फुंसिया एवं जगतपुर समेत कई जगह से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल में कांग्रेस नेता सुनील तिवारी, राजीव कुमार शाह, घनश्याम मंडल, विनोद तिवारी समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।